हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। हियर इज योर डॉक्टर रोहित काकू फ्रॉम मधुसूदन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डोंबिवली। सो मैं आया हूँ आज आपसे फिर मिलने, और अपने वादे के हिसाब से फिर से मिलने आया हूँ, जल्दी ही आया हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये कि डायबिटिक एंड अल्कोहल, क्या ये कॉम्बिनेशन कैसा है, क्या ये अच्छा कॉम्बिनेशन है या डेंजरस कॉम्बिनेशन है? अल्कोहल और डायबिटीज़ क्या करता है, अल्कोहल डायबिटीज़ वालों को क्या करता है, क्या उनके लीवर का क्या कर सकता है, क्या होता है इसमें? सो आज डिस्कस करेंगे ये टॉपिक के क्या डायबिटिक पेशेंट अल्कोहल ले सकते कि नहीं, इज अल्कोहल सेफ इन डायबिटिक्स, और शुड डायबिटिक पेशेंट अवॉइड द अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मेरे फ्रेंड्स, आप पार्टी में ओकेजनली ड्रिंक करते होंगे, या कभी ड्रिंक करते होंगे, या वीकेंड्स पे ड्रिंक करते होंगे, और अगर आप डायबिटिक होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास बन जाता है, ताकि आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ वाले कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करें, और रिस्क खतरे से पहले से सावधान रहे। सो हियर वी गो अहेड विद दिस वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा आज। जैसे कि हम जानते हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप के डायबिटीज़ है। बेसिकली टाइप 1 इंसुलिन लेते हैं, टाइप 2 वाले डायबिटिक पेशेंट्स आर ऑन टैबलेट्स। सो ये दो टाइप के डायबिटीज़ है। और अल्कोहल का कंटेंट क्या है? अल्कोहल बेसिकली है कैलोरीज, इट डजेंट हैव अनदर न्यूट्रिशन वैल्यू, इट इज़ फुल ऑफ कैलोरीज। सो व्हेन वी टेक कैलोरी, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सो अल्कोहल पूरी तरह से कैलोरीज है। जब हम कंज्यूम करते हैं, खाने के साथ कंज्यूम करते हैं, तो खाने की कैलोरीज अलॉन्ग विथ अल्कोहल की कैलोरीज से मिलके सडन शुगर स्पाइक अप कर देता है। शुगर बढ़ जाता है सडनली, और जो कि डेंजरस लेवल पे तक शुगर जा सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीवर पे इम्पैक्ट करता है, लीवर को वीकेंड करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होने से रोकता है। सो अल्कोहलिक पेशेंट्स में बहुत बार हाइपोग्लाइसिमिया का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अल्कोहल फैटी लीवर कर देता है, फैटी लीवर की वजह से लीवर का फंक्शन डाउन हो जाता है, जिससे वो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कर सकता। सो व्हेनेवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उस टाइम पे बॉडी का ग्लूकोनियोजेनेसिस मैकेनिज्म हैम्पर्ड हो जाता है। इसकी वजह से डायबिटीज या ब्लड शुगर लेवल डेंजरसली लो होके हाइपोग्लाइसिमिया में पेशेंट जा सकता है। सो ये है अल्कोहल का वन ऑफ द डेंजरस इफेक्ट। अल्कोहल अगर सल्फोन यूरिया जैसे मेडिसिंस या इंसुलिन के साथ कभी मिक्स हो जाए गलती से, तो डेंजरस हाइपोग्लाइसिमिया करके पेशेंट को आईसीयू में लेके जा सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, सीवियर कॉम्प्लिकेटेड हाइपोग्लाइसिमिया हो सकता है। सो इसी तरह से पेशेंट्स के लिए खतरा बन जाता है, और क्योंकि फैटी लीवर होता है, क्योंकि अल्कोहल लॉन्ग टर्म में पैनक्रियाटाइटिस करता है, और अल्कोहल इंड्यूस पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट एक डायबिटिक पेशेंट में कन्वर्ट हो सकता है। सो अल्कोहल इंड्यूस पैनक्रियाटाइटिस भी डायबिटीज़ में रिजल्ट हो जाता है। सो इस तरह से अल्कोहल डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायबिटीज़ को बढ़ावा देता है, और डायबिटीज़ वालों के लिए खतरा बन चुका है, डेंजरस है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि मेरे अभी लेटेस्ट मेरे पास एक पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट था, और ही डेवलप्ड नाउ डायबिटीज़, एंड मैंने टू डेज़ बैक मैंने उनको फिर एंटी डायबिटिक मेडिकेशन भी चालू किया। ही वॉज इन, वो आए सिम्टोमेटिकली वेल गुड, बोला कुछ नहीं है सर, आई एम फाइन, पेन हैज़ गॉन, नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आफ्टर एग्जामिनिंग हिम आई फाउंड आउट द शुगर्स वर हाई। सो इस तरह से पैनक्रियाटाइटिस में रिजल्ट इनटू डायबिटीज, एंड अल्कोहलिक पैनक्रियाटाइटिस, अल्कोहल की वजह से पैनक्रियाटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम जानते हैं कि अल्कोहल और डायबिटीज़ बहुत ही ड्रास्टिक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। हमें बच के रहना है, हमें अवॉइड करना है, जितना हो सके अवॉइड करें। अल्कोहल में फिर कभी कभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी ऐड करते हैं, तो वो कैलोरी दोनों कैलोरी मिक्स होकर सडन हाई स्पाइक ऑफ शुगर और डायबिटीज़ बढ़ा सकता है। सो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ से भी न्यूरोपैथी होती है, अल्कोहलिज्म की न्यूरोपैथी से भी सीवियर न्यूरोपैथी हो सकती है। सो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेंजरस है, और मेनी टाइम्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी कर देता है अल्कोहलिज्म। सो दिस डायबिटिक पेशेंट आर इनिशियली ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सम ड्रग्स लाइक मेटफॉर्मिन, बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी होती है, और अल्कोहलिज्म क्रोनिक लिया तो भी बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी होके सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अल्कोहल
एंड डायबिटीज़ आर डेंजरस कॉकटेल, सो बेटर टू अवॉइड या टू टेक इन मिनिमल क्वान्टिटीज एंड ओकेजनली. डोंट मिक्स अल्कोहल विद द डायबिटिक ड्रग्स, डोंट टेक इन मैक्सिमम मोर क्वान्टिटीज, अवॉइड अल्कोहल एज मच एज पॉसिबल. लीवर का फाइब्रो स्कैन करिए, लीवर की चेकिंग करना बहुत ज़रूरी बन जाती है इस केसेस में. हमारे यहाँ पे जैसे फाइब्रो स्कैन होते हैं, सो डैट यू कैन चेक के डायबिटीज़ का लीवर पे कितना इम्पैक्ट हुआ है. एंड जितना हो सके अवॉइड करिए अल्कोहल को. एंड या इफ़ यू आर टेकिंग या वॉन्ट टू टेक, सो टेक इन मिनिमल क्वान्टिटीज़. तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम मिलके डेफिनेटली गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और अल्कोहलिज्म को मिनिमल रखेंगे एंड इस डायबिटीज़ एंड अल्कोहल के कॉकटेल या डेंजरस कॉम्बिनेशन को दूर रखेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट शुड अवॉइड अल्कोहल एज मच एज पॉसिबल. एंड या योर डॉक्टर रोहित काकू इज साइनिंग ऑफ. सी यू सून इन अनदर सच गाइडेंस वीडियो. मिलते हैं ब्रेक के बाद एंड सी यू सून माई फ्रेंड्स. थैंक यू माई फ्रेंड्स. थैंक यू.